हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है कि एक सीरीज जो लगातार आपकी यूट्यूब चैनल पे आती रहेगी। यूट्यूब चैनल आगे हम इस सीरीज में आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप इस सीरीज को देखने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में पूरी की पूरी एक चैंपियन बन जाओगे, बल्कि मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाऊंगा, उस रास्ते में चलना आपको, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस की, सैंपल पेपर की, सबकी तैयारी की होगी तो ही आप ट्रिग्नोमेट्री में चैंपियन बन सकते हैं। नहीं, खाली इस वीडियो को देख लेने से आप चैंपियन नहीं बनेंगे। जो आपकी क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, इस नाम से ये चैप्टर है और ये पूरा का पूरा टॉपिक दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हम कोशिश करेंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अगर आपके व्यूज अच्छे आए, अगर आपके सब्सक्राइब्स अच्छे आए तो हम तो ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले क्या है ट्रिग्नोमेट्री सुन लीजिए। अगर आप चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक कुतुब मीनार का एक फोटो दिखाया गया है और उसके नीचे एक पूरा एक एंगल नीचे आते हुए नजर आ रहा है। इसमें दिखाया क्या गया है, हम अगर मान लीजिए कहीं पर भी जाते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, अब मुझे ये नहीं मालूम वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है, मुझे उसकी हाइट का नहीं पता, तो मैं उसकी हाइट का पता कैसे लगाऊं? तो वहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री। कोई मैं स्केल लेके तो नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ को मैं स्केल से नाप सकता हूँ जितना बड़ा मेरे पास स्केल, लेकिन एक पूरी की पूरी बिल्डिंग हो, क्या बुर्ज खलीफा की आप पूरी हाइट नाप पाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो उसके लिए उस बेस पे हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत होती है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है जो इस चैप्टर, इस ट्रिग्नोमेट्री जो जिसके ऊपर पूरी की पूरी बेस है वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में फिफ्थ क्लास से जानते आ रहे हो और आपको ये मालूम होगा ये जो सीधी लाइन जाती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, नीचे जो लाइन जाती है उसको बेस कहते हैं, और ये जो लाइन आती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए एक पर्सन आया जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने कहा इस पूरे के पूरे इसको उन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद अपनी एक थ्योरम दी। उन्होंने बोला कि अगर ये परपेंडिकुलर जितनी भी लाइन है 5 है 6 है ठीक है कुछ भी, ये इसका मेजरमेंट जो भी है उसका स्क्वायर कर दो और नीचे जो बेस दे रखा है उसका स्क्वायर कर दो तो वो आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नॉलेज नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम का पूरा कॉन्सेप्ट हमने एक पूरी की पूरी एक सीरीज बनाई थी पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, और उसमें दो वीडियोस आई थी, सीरीज में दो वीडियोस थी, बाकी हमने क्वेश्चंस रखे थे, आप वो वीडियो देख सकते हो, उस कॉन्सेप्ट से पाइथागोरस की थ्योरम को समझ सकते हो। दूसरी चीज आपको जानने की जो जरूरत है वो ये है, साइन थीटा ठीक है, जीरो ऐसे ओ बनाओ और बीच में एक लाइन, इसे थीटा कहते हैं, साइन थीटा ठीक है, साइन थीटा ये एंगल है ठीक है, साइन 30 आप पढ़ोगे आगे, साइन 30 कोस 30 ठीक है, 30 45 साइन 45 डिग्री होगी वो ठीक है। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोस सेक थीटा sec थीटा और cot थीटा, ये 6 पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। इन ये पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा cot थीटा। इसके बाद एक मंत्र, एक जादुई मंत्र आपको याद करना है, आप हमेशा याद रखना कि ये सब क्या है पता चल जाएगा। देखो क्या है, एक मेरे साथ मंत्र बोल पढ़ना, आप पढ़ोगे पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो, क्या है ये दोबारा से देख लो, पंडित बद्री प्रसाद हाँ हूँ बोलो सोना
चांदी तो ये रियलिटी नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक याद करने का एक तरीका है। आप बोलोगे ये कैसे सर याद करने का तरीका है ना, ये देखो, अब देखो पी और एच दिख रहा है, पी से परपेंडिकुलर है, एच से हाइपोटेनियस है और बी से बेस है। अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस इन्हीं की बात हो रही है। तो जब भी साइन थीटा आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है पी अपॉन एच। आप बोलोगे ये पी अपॉन एच कहां से है, ये साइन थीटा लिख रहे हैं आपको एस, एस के ऊपर क्या है नजर आया ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपसे पूछा जाए कोस थीटा कितना है तो आपको लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपसे पूछा जाए टेन थीटा कितना है तो आपको लिखना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात आती है इनकी, भाई इनका क्या होगा, एक बात को आपको याद रखनी है कि साइन थीटा का अपोजिट जो होता है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक थीटा का जो उल्टा होगा अपोजिट होगा, यानी उसका रेसिप्रोकल वन अपॉन साइन थीटा होगा। इस बात को मद्देनजर रख लो, दिमाग में बिठा लो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। आगे की कहानी चलते हैं। अगर मैं बात करूं कोस थीटा की, तो कोस थीटा जो होगा वो सेक थीटा के अपोजिट होगा। देखो साइन तो कोस का हो गया कोसेक का, और कोस हो गया सेक थीटा का, और टेन थीटा हो गया कोट थीटा का। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। तो ये कोस जो है वो सेक थीटा का है वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो वन अपॉन कोसेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा है, टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा है, और कोट थीटा का अपोजिट वन अपॉन टेन थीटा। अब बात आती है कि सर ये किनके इक्वल है, ठीक है, आपने साइन थीटा तो बता दिया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये रहा हाइपोटेनियस, ये आपने बता दिया कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ये रहा हाइपोटेनियस, ये आपने ये नहीं बताया कि और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन इस परपेंडिकुलर ये बेस है, आपने ये नहीं बताया कि कोसेक थीटा कितना होगा। तो कोसेक थीटा देखो मैंने बता दिया आपको बच्चे कि साइन थीटा का अपोजिट होगा, तो ये कितना था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वही सेक थीटा जो है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं, माइंड में बिठा लेने हैं। ऐसे ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको इनके बीच का अंतर नजर आए, ठीक है, ये रख कर लेता हूं। तो अब स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और नोटबुक से अगर नोट कर रहे हो तो और अच्छी बात है, बेहतर रहता है आप नोटबुक से हाथों हाथ नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आप लोग भूल जाते हो असर करके, मोबाइल में वो डेटा पड़ा रहता है, लेकिन ठीक है मोबाइल में डेटा वो पड़ा रहेगा बट आपको याद नहीं रहेगा। बेटर है कि आप नोटबुक ले लो, पेन ले लो और साथ के साथ नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन से, जो इस चैप्टर का पहला एग्जाम्पल है उससे इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया, गिव टेन थीटा फोर अपॉन थ्री, टेन थीटा जो है टेन ए थीटा कह दो या टेन ए कह दो, तो टेन ए जो है वो फोर अपॉन थ्री है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। कह रहे हैं कि टेन ए की वैल्यू तो आपको बता दी हमने, और बाकी जो साइन ए है, कोस ए है, कोसेक ए है, सेक ए है, कोट ए है, इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो हमें पता कैसे चलेगा। देखो सबसे पहले तो आपको पहले टेन ए की वैल्यू जो है वो रख लेनी है, और टेन ए की वैल्यू आपके पास फोर अपॉन थ्री की बनी है। अब मंत्र पढ़ो, क्या था मंत्र, ये आपको पेयर में नहीं करना है, एक बात ध्यान रखें, ये आपको पेयर में नहीं करना है, ये आपको रफ में करना है। तो मंत्र क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, हाजी हूं बोलो सोना चांदी तो। अब ध्यान से सुनो, तो मुझे बताओ टेन थीटा का जो इसका वो था क्या है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस है सर, यानी मुझे पता चल गया कि परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे यहां से पता चल गया कि सर परपेंडिकुलर का भी पता चल गया वो 4 है और बेस का भी पता चल गया वो 3 है। तो एक अपने माइंड के तौर पे जरूरी है कि आप एक ट्रायंगल बना दें, राइट एंगल ट्रायंगल, और जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे चलती है, बाकी स्केलर पे और इन पे वो आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ते हो, लेकिन 10th तक के जहाँ तक पता है वो यहीं तक चलती है। तो 90 डिग्री का एंगल बना लिया, इसका परपेंडिकुलर 4 है और इसका बेस जो है वो 3 है, इतनी बात पता चली। अब मुझे एक बात और बताओ, तो 4 हमें गिवन है, ये सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, कितनी मेजरमेंट दी है? 4 तो हमें बता दी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि वो कितनी है, सेंटीमीटर गिवन है, मीटर गिवन है ना, किलोमीटर गिवन है, कोई नहीं गिवन, बस 4/3 बता दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे के लगा देंगे, के से ये मतलब है कि ये के यूनिट है, मतलब कितनी है, मीटर है, किलोग्राम है, कुछ भी हमें नहीं पता, जैसे किलोग्राम आता नहीं, तो हम एक के लगा देते हैं, ये एक यूनिट है, मतलब 4 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है, हमें नहीं पता वो कितना। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। पाइथागोरस जी ने कहा था कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। तो सर परपेंडिकुलर तो हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, 5 से 25 होता है, इतनी बातें मुझे पता है, ये हो गया। तो मुझे, मेरे पास हाइपोटेन्यूस कितनी आ गई, क्योंकि सर 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5। अब आप सबकी जो भी सबकी वैल्यू है, सबका रेशियो है, वो बताना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले हम आते हैं एक एक करके सबका विकास करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन ए की, तो साइन ए कितना है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ क्वेश्चन ने हमें कहा साइन टेन ए, तो ए जो है हम यहाँ रखेंगे, ये वाला जो एंगल होता है यहां से ही हम रेशियो डिसाइड करते हैं, ठीक है, ये वाले एंगल से ही हम लोग रेशियो डिसाइड करते हैं, और फिर बाकी की जो भी नाम है बी सी कुछ भी रख दो, लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे कि मैं होगा वो, तो यहाँ हम साइन ए यहीं से निकालेंगे, कोस ए भी यहीं से निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, तो सर साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस थी, परपेंडिकुलर मेरा 4 है और हाइपोटेनियस मेरी 5 है। आगे चलो कोस की बात करते हैं, कोस कितना है सर, कोस ए कितना है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3/5। बात करते हैं आगे भाई, टेन ए तो पहले से गिवन है, 4/3, इसका तो कोई करना ही नहीं है। आगे चलो कोसेक की वैल्यू बताओ, तो सर कोसेक की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हो, आपको साइन की वैल्यू जानने की जरूरत है, साइन का उल्टा ही होता है 5/4, और सेक थीटा की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू 5/3, और वोल्ट की वैल्यू, वोल्ट ए की वैल्यू इसका उल्टा 3/4। ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 1। आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि एक्सरसाइज 8.1 के भी हैं और कुछ एग्जांपल्स भी। पहला एग्जांपल तो हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है। तो क्वेश्चन देखो, साइन ए इक्वल्स टू 3/4, साइन ए की वैल्यू हमें गिवन है वो है P/H, साइन ए हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद हाँ बोलो सोना चांदी बोलो, साइन की वैल्यू P/H है, तो साइन ए हम लिखेंगे 3/4, यही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये होती है। तो मुझे ये तो पता चल गया मेरी परपेंडिकुलर कितनी है, मेरी जो परपेंडिकुलर है वो 3 है और मेरी हाइपोटेनियस जो है वो 4 है, और यहाँ पे भी नहीं गिवन है कि ये कितनी यूनिट है, तो के लगा दो। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो आप, तो परपेंडिकुलर मेरी 3 थी और हाइपोटेनियस मेरी 4 थी,
मुझे मेरा बेस नहीं मालूम, पहले बेस पता करता हूँ। तो बेस पता करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से निकाल लीजिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर पता नहीं मुझे, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना है, गिवन है 4 है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, बेस का स्क्वायर बी पता नहीं, ये 16, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, इधर ये प्लस का है दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया है 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचता है। अब स्क्वायर का अपोजिट होता है रूट, तो बी इक्वल्स टू रूट 7। अब हमें नहीं पता ये रूट 7 कितनी वैल्यू है, ये अभी आपको देखते हैं। आगे चलते हैं, देखो जी अब मेरे से पूछा गया था कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। भाई कोस ए की वैल्यू जो है वो यही से पता चलेगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस कितना है, रूट 7 है, रूट 7 अपॉन हाइपोटेनियस, चार के के लगा देंगे पता ही कितना है। टेन ए लिखो जी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है और बेस जो है वो रूट 7। अब एक चीज का और ध्यान रखें, ध्यान ये रखना है भाई रेशनल, इरेशनल नहीं रहना चाहिए, इरेशनल नंबर है और इरेशनल को रेशनल में चेंज करने के लिए क्या करते थे हम, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते थे। ये तो हो गया 3√7 और ये आ गया रूट से रूट कट गया तो 7। ये आपका क्वेश्चन कर लो, साल आ चुका है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अब आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ये जो फर्स्ट पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इसको करवा रहा हूँ। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई साल कई बार आ चुका है, 2008 में आया, 2013 में आया, 2020 में भी आया, तो उस समय ये क्वेश्चन कई बार आया, तो इसीलिए हम इसको कंटिन्यूसली आने वाला क्वेश्चन है इसीलिए करवा रहे हैं। देखो इसमें आप एक चीज नजर कर रहे हो, एक जगह लिखा है साइन ए, एक जगह लिखा है कोस सी। अब ये साइन ए कोस सी और यहाँ कह रहा है कोस ए साइन सी, क्या सर साइन ए और साइन सी में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। कैसा फर्क है देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, ये नेसेसरी है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा 10:30 जो हमारे पास फिलहाल है तो वो है 10a की वैल्यू, तो 10a की वैल्यू आपको गिविन है 1/√3। अब मुझे एक बात बताओ 10a कितना होता है, कितना होता है, पढ़ो मंत्र पंडित बद्री प्रसाद, हाँ हूँ बोलो सोना चांदी तोलो। तो 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू √3 है। हमें क्या चाहिए, हमें हाइपोटेनियस चाहिए। अच्छा तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ट्रायंगल एबीसी है, क्वेश्चन एक बार ये भी देख लो, ट्रायंगल एबीसी है और राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो ए यहां होगा, बी यहां होगा। अब सुनो, जब हम 10a की बात कर रहे हैं, यानी 10a इधर होगा, ये 10a यहां इस वाले एंगल से अगर हम देखते हैं तो 10a की वैल्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर यहां है, क्योंकि 10a के हिसाब से कितना है, 1 है, 1 यूनिट जितना भी, और बेस है √3। लेकिन अगर इस ट्रायंगल को मैं यूं लिख देता हूं, इसको पकड़ के ऐसे लिख दिया, अब यूं लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखने पर आप ये देखोगे ये बी वाली जो साइड है वो अब इधर आ गई और ए वाली साइड, सॉरी ये सी था, ये सी वाली साइड जो है वो इधर आ गई और ए ऊपर चला गया और बी जो है वो अपना 90 डिग्री का अपनी जगह है। अब अगर आप 10c निकालोगे, हालांकि 10c की यहां जरूरत नहीं है,
टेन सी निकालोगे तो इसका परपेंडिकुलर जो कि अब ए बी, यहाँ ए बी कितना बन गया रूट थ्री, और यहाँ टी जो है बी सी था तो बी सी अब नीचे हो गया, वो बेस अब इसका एक हो चुका। तो ये है टेन ए और टेन सी में फर्क। ऐसे ही साइन ए और साइन सी में क्या फर्क है, इस एंगल से देखा गया हमने, इस एंगल ऑफ एलिवेशन से। बात समझ में आ रही है? अब आगे क्वेश्चन देख लो। पहले तो हमें, क्योंकि हमें जो है साइन के लिए भी और कोस के लिए भी हाइपोटेनियस की जरूरत है, पर हाइपोटेनियस के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लिखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर है रूट 3 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस ऑलरेडी है 1 प्लस रूट 3 स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो 3 बचता है। तो हाइपोटेनियस आ गई आपकी 4, नहीं स्क्वायर का उल्टा रूट होता है, तो हाइपोटेनियस आपकी 2 आ चुकी है। यानी आपकी हाइपोटेनियस कितनी है, 2 है। पहले आ जाओ साइन के पास। तो यहां से हम साइन की वैल्यू गेन करते हैं, इस वाले ट्रायंगल से साइन की वैल्यू देखते हैं। तो यहां साइन ए कितना होगा, देखो जी साइन ए यहां कितना होगा, यहां साइन ए होगा क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस 2 है, ठीक है। और कोस ए कितना होगा इस वाले एंगल के हिसाब से, बताओ सोच के। तो कोस ए जो होगा वो भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस रूट 3 है, हाइपोटेनियस 2 है। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो साइन ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई और कोस ए की भी आ गई, ठीक है। ये हो गई 1/2, ये हो गई रूट 3/2। अब अगर बात करूं मैं साइन सी और कोस सी की, तो ये कितना हुआ, तो साइन सी जो है वो अब हम यहां से देखेंगे इस वाले एंगल ऑफ एलिवेशन से, साइन सी, क्योंकि ये सी, अगर मैं साइन सी की बात करूं इस वाले एंगल ऑफ एलिवेशन से, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस जो बैठेगा रूट 3/2 बैठेगा। वहीं अगर मैं कॉस सी की बात करूं तो वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है, यानी 1/2 ये बैठेगा। तो साइन सी आपका रूट 3/2 आ गया और कॉस सी 1/2। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा था इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये कितना था, निकालो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस सी साइन सी, निकालो साइन ए की वैल्यू कितनी है, हाफ है, 1/2। यहाँ क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई लगेगा। कॉस सी की वैल्यू कितनी है, ये रही 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2, ये cos a है, √3/2 मल्टीप्लाई है sin c, sin c कितना है √3/2। अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 और 2 2 जा 4, डिनोमिनेटर सेम है तो 3 प्लस 1 डायरेक्टली हम प्लस कर सकते हैं, 4/4 वैल्यू आ गई 1। ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हो। सो बाकी के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सब का सब ऑलरेडी पहले से ही हमने वीडियो बना रखी है, आपको वो सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएंगी। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे तो दूसरी बार समझाया है, ऑलरेडी बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाओगे, हर एक क्वेश्चन के सामने उसकी लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे आपको वो क्वेश्चन पहुंचा देगा। और खूब प्रैक्टिस कीजिए, कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये होमवर्क ट्राई कीजिए, आरडी शर्मा के क्वेश्चन से है, ट्राई कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड कीप वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।